तो जहानाबाद 2005 से पहले आग में जल रहा था, और जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है, जहानाबाद में अमन और शांति बना हुआ है। जहानाबाद से एनडीए उम्मीदवार चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी ने रफ्तार मीडिया से बात करते हुए कहा कि जितना काम नीतीश कुमार की सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से हुआ है, जहानाबाद विकास की नई इबारत लिख रहा है। जहां जहानाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज, आईटीआई कॉलेज आदि खुल चुके हैं, वहीं उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव जीतने के बाद मेरा लक्ष्य जहानाबाद में मेडिकल कॉलेज सह हॉस्पिटल का निर्माण कराना है। ये पूरे जो जहन में है, एक खौफनाक मंजर की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन नीतीश कुमार 2005 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलती है। अभी हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए एनडीए समर्थित उम्मीदवार व निवर्तमान सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी हैं। सर, 2005 के बाद जो स्थिति बिहार में, खासकर जहानाबाद में बदली, क्या कहेंगे? देखिए, जहानाबाद 2005 के पहले आग में जल रहा था। उस जहानाबाद को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जब सत्ता मिला बिहार की जनता के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ सुशासन कायम किया। जो गांव के गृहस्थ लोग गांव छोड़ कर के शहर की ओर भाग जा चुके थे, वो लोग फिर वापस आए और अपना खेती गृहस्थी शुरू किया। जो व्यापारी यहाँ से पलायन कर चुके थे, वो लोग फिर पुनः वापस आए और अपना व्यापार कर रहे हैं। जो चिकित्सक छोड़ के चले गए थे अपना पेशा, वो लोग वापस आए और अमन चैन के साथ यहाँ काम करने लगे। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम किया कि यहाँ रोड की कनेक्टिविटी, बिजली की आपूर्ति, स्कूलों में पढ़ाई, अस्पतालों में इलाज का पूर्ण व्यवस्था किया, जिससे कि गरीबों को के बच्चे स्कूल में पढ़ने लगे, उनके गांवों में रोशनी पहुंची, उसके वजह से उनका विकास शुरू हुआ, हर घर में नल का जल। इस तरह से कई काम उन्होंने किया जो सामाजिक परिवर्तन का काम किया, और समाज में जो गरीबी थी उसको दूर करने का प्रयास किया। तो अभी स्थिति है यहाँ कि देखिए, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जिस जिले में बिहार में आईटीआई की जाल नहीं बिछा हुआ है। उसके बाद सरकारी आईटीआई है, प्राइवेट आईटीआई है, फिर आपको हर जिले में नर्सिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आपको पारा मेडिकल कॉलेज है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग कॉलेज है। यह परिवर्तन का, आपने पूर्व में कहा था कि मेडिकल इस बार अगर हम जीतते हैं तो मेडिकल कॉलेज यहाँ खोलेंगे। हाँ, ये बात ठीक है। जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज विथ हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जो नहीं है। इसके लिए जीतने के बाद मेरा पहला प्रयास होगा कि यह काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री से आग्रह करके और इसको हम स्थापित कराए। नामांकन में तमाम वो एनडीए के बड़े नेता, जो घटक दल के तमाम वो बड़े नेता हैं, आज आए थे और वो आपके लिए प्रचार प्रसार, उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि बहुत ही सीधे साधे नेता हैं, इनको वोट करें। देखिए, बात सही है, मैंने उनका कहना कहीं कोई गलत नहीं है। हमारे कार्यकाल में आपको बताते हैं कि जहानाबाद जल रहा था 2005 के पहले, और हमारे पहले जो कार्यकाल रहा है उसमें कहीं ना कहीं तिक्रम होते रहा, लेकिन हम 5 साल जब रहे यहाँ, किसी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, किसी गलत आदमी को हमने प्रश्रय नहीं दिया, किसी को हमने तंग नहीं होने दिया। इस तरह से लोगों को पता है कि हम को कोई लंद फंद काम से मतलब नहीं रहता है। हम सिर्फ विकास, जहानाबाद से संबंधित जो विकास के मुद्दे हमारे पास जनता के द्वारा आता है, या हम घूमते हैं क्षेत्र में तो उस समय जो हमको प्राप्त होता है उसी के विकास के लिए हम लगे रहते हैं, और उसी क्रम में हम बताते हैं आपको कि जहानाबाद में जो अरवल रोड जाती है उसमें अंडरपास की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम आदरणीय गडकरी से मिल के प्रयास करके और उसको सेंक्शन करा दिया। 1100 करोड़ की लागत से वो सेंक्शन हो गया है। 2 महीना के बाद आचार संहिता खत्म होगा और उसका टेंडर होगा और उसमें काम लगेगा। 2024 में चुनाव जीतते हैं आप, तो कौन कौन सी चीज़ें जो अधूरे कार्य थे अब वो पूरे करेंगे? देखिए, अधूरे कार्य तो
कृषि से संबंधित जुड़े हुए काम हैं, जैसे यहाँ के नदियों का सिल्टेशन कम करना है, ख़त्म करना है, नदियों में गाद जमा हो गया है, उन गादों को निकलवाने के लिए हम पहले भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था और आग्रह किया था क्वेश्चन में कि उन नदियों को नमामि गंगे परियोजना से जोड़ा जाए और उसके उस योजना के तहत उसमें राशि आवंटित की जाए और उसका सिल्टेशन ख़त्म किया जाए, जिससे कि नदी में पानी आए तब टिके, गहराई कम होने से नदियों में पानी टिक नहीं पा रहा है, इसलिए हमने इसका प्रयास किया था। तो हम इसके लिए भी दोबारा प्रयास करेंगे जिससे कि यहाँ कृषि कार्य सुचारू रूप से बढ़िया से चले। आखिरी सवाल होगा सर, जो कम मतदान हो रहा है, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? नहीं, हम तो मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि सभी मतदाता 1 जून को जो मतदान होना है उसमें सबसे पहले घर से निकलकर मतदान करें और तब जलपान करें, जिससे कि लोकतंत्र और मजबूत हो। तो देखिए, ये थे चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने काम तो बहुत किया है लेकिन जो अधूरे काम बचे हुए हैं जहानाबाद में, जैसे उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज खोलना है और नमामि गंगे परियोजना के तहत जो गाद नदियों में जमा हुआ है जिससे कि नहरों में पानी नहीं आ पाता है, तो इनके आने वाले जो प्रोजेक्ट होंगे उसमें शामिल होंगे। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ। जहानाबाद से मैं सुधेंदु रमन।